Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Hard Workers Institute ILS. I am your ILS trainer Nadeep Samra. Today's our topic is adverb and the uses. So today we will learn what an adverb is and the placement of adverb in sentences. So let's start the video. Firstly, जब तुम उसे adverb को use करना सीखना चाह रहे हो तब हम ये सीखना पड़ेगा कि adverb के types के लिए हैं. जो first type है adverb की वो है क्या? Adverb of place means ऐसे adverb जो बताते हैं कि हाँ जो action होया सी, जो काम होया सी, वो किस जगह पे होया सी का. Like away, low, far, here, there, near, where, in, out, जो ऐसा ने शब्द ने. और भी list है जो ऐसा ने शब्द ने अपने है ने adverb of place. Second जो अपन adverb type discussion कर लेते हैं वो है adverb of time. Means like ago, now, then, already, before, soon, just. जो एस शब्द ने अपने ये अपने है ने adverb of time. Next one आता है adverb of manner. Adverb of manner. Firstly manner की है. Manner मतलब तरीका. Means जो ऐसे शब्द जो बताने की काम किस तरीके ना होया हुआ वो वाले की ने अपने adverb of manner. Next one आता है adverb of frequency. Frequency का पंजाबी में मतलब होता है कि कितनी बार. Means ऐसा ने शब्द जो बताने की जो action है वो कितनी बार हुआ है या कितनी बार हो रहा है वो वाले अपने क्या कहेंगे ने adverb of frequency. नेक्स्ट वन जो अपन एडवर्ब आज लिखता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी एंड एक्सटेंट. मींस ओ वाले शब्द जो बता रहे हैं कि जो एक्शन जो हो रहा है उसकी डिग्री की है उसकी एक्सटेंट की है वो अपनी फिफ्थ टाइप ऑफ एडवर्ब है. वैसे एडवर्ब के 9 टाइप्स होते हैं बट क्योंकि मैं आईएलएस स्टूडेंट्स को टारगेट करके ही ये वीडियो बना रही हूं तो इसका मैं सिंपली 5 एडवर्ब वाले डिस्कशन कर रही हूं. आई होप तो मेरा क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट वन जो आता है कि लाइक अब अगर ये वर्ड तो मैंने सीखा नहीं बट ये तो सेंटेंसेस विच नहीं आ रहे तो लाइक फर्स्ट एग्जांपल ही अपन ले रहे हैं. अवे ही वेंट अवे. दिस वन इज जस्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट वन लाइक एडवर्ब ऑफ टाइम यू कैन से लाइक दे जस्ट शुक्रवार का डे से उस दिन
एंड उस वक्त तुझे साल भी रहना चाहते हो, लाइक कुछ भी रहते हो 1995 1996 जो भी तुझे रह रहे हो, तो मतलब पेन ऐड करके देखते हैं। आई वाज बोर्न एट, सब तो छोटी इकाई की आपने 10 डे उस वक्त किया ना डे, फिर आएगा साल, तो अब हम इनको ले रहे हैं। आई वाज बोर्न एट, मैं एट टाइम यूज कर रही हूं, जब तुझे टाइम ले रहे हो टाइम में बोले ऑन द यूज नहीं होएगा, तुझे एट द यूज करोगे, तो एट 6 AM, then on Friday, जिन्ने भी days ने अपने, मतलब week days ने, उन्हें अगर से on का use करना हो तो at नहीं आएगा। Common students confused हो जाते हैं जी मैं इसे at लगाना on लगाना, जो तो days ने days मुझे on, जो time exact को से mention कर रखे हैं, वो तो मुझे तो at आ रहे हैं वो। Then अगर party में शायद कि तुझे और जोने तो बताना चाहिए हो time दे रहे जी, तो से मंथली ऐड कर सकते हो, लाइक एट 6 एम ऑन फ्राइडे, देन वी आर एडिंग मंथ इन लाइक मार्च, देन उसके बाद आप ऐड कर सकते हो साल। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन भी आ गई है, सब तो छोटी वाली यूनिट उस तो बड़ी वाली टाइम की यूनिट, देन उस तो बड़ी देन उस तो बड़ी, तो थोड़ी लाइक जो पोजिशन है कि एडवर्ब को टाइम आ रहा है वो लिए वाला रूल है थोड़ा पोजिशन है उधर। आई होप तो ये वाला पोजीशन क्लियर है। नेक्स्ट में आपका जा रहा है सेकंड पोजीशन पे, अगर तो आपके पास एक वर्ब ऑफ लाइक मैनर आ गया, मैं जो बता दे रही कि काम होया किस तरह ना से, लाइक मैं और लेनिया एडवर्ब मेरे लिए स्किलफुली, तो जो एडवर्ब मैनर है वो दो थाने पर ही पोजीशन सेट हो जाती है। लाइक एग्जांपल है एक सेंटेंस दी, शी डिड दिस वर्क, मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ स्किलफुली, मतलब बड़े अच्छे तरीके ने गुणन वही तरीके ने काम किया। तो अगर तुम्हारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ रही है तो उससे हम जी थोड़ी हैगी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, इतने वैसे वर्ब है ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो डू वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यूज की हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच, तो वर्ब के बुरे में प्लेस कर सकते हो तुसे एडवर्ब नु मैनर नु। दूसरी यदि पोजीशन हैगी आ जो तुसे एडवर्ब ऑफ मैनर यूज कर रहे हो तो तुसे ओनु आफ्टर ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अपन पर आफ्टर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, शी डिड दिस वर्क स्किलफुली, this one is all okay, and then we can also make it she skillfully did this work। I hope कुछ second position ready है जिसे अपने discussion करी है कि adverb of manner तो clear हो गई है, मैं repeat कर रही हूँ फिर तो, अगर तुम्हारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया हुआ लाइक स्किलफुल हो गया ना फास्टली हो गया, तो काम किस तरीके ना दिखता हुआ ये चीज बता रहे हो शब्द, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनती है उन्हें यूज करने की, एक तो उसमें वर्ब को पूरे प्लेस कर सकते हो, दूसरा अगर तुम्हारे सेंटेंस में इसको हम लगे कि नहीं मैं पीछे कंफर्टेबल हूं तो उसे हम आफ्टर ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हो, बट प्लीज उन्हें और जगह पर जाके उनकी फॉर्मेशन काम ना करो। तो पहला मैंने लिखा शी डिड दिस वर्क स्किलफुली, तो मेरा वर्क की सीगा दिस वर्क ये मेरा ऑब्जेक्ट पोर्शन सीगा, तो मैं ऑब्जेक्ट बार ऐड कर रही हूं। दूसरा मैंने लिखा शी स्किलफुली डिड दिस वर्क, मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूं डिड अ वर्ब है तो मैं ना वर्ब के पूरे प्लेस लिखता हूं, और अब आ रहा है तीसरी पोजीशन, अगर किसी एडवर्ब लाइक सेंटेंस दे सॉरी वर्ब नहीं, अगर किसी सेंटेंस दे विच टेन एडवर्ब तक के आ रहे हैं तुम्हारे पास, लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर भी तुम्हारे पास आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है। लाइक अगर तुम एकेडमिक स्टूडेंट है हमारे से तो कॉमनली अगर तुम ग्राफ में कई बार होता है कि प्लेस भी मिल जाता है टाइम भी मिल जाता है फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो उसका मैनर खुद ऐड कर लेना होता है कि लाइक बड़ा फास्टली इधर हो गया सी जी ट्रेंड या फास्टली डिक्रीज हो गया सी या कुछ
और जो भी तुसी सेंटेंस बना रहे हो, तो कई बार आपको कहते हैं मैनर टाइम प्लेस अपने एक सेंटेंस में आ जाते हैं। तो इधर विच की करना वा, जो भी तुसी सेंटेंस ले रहे हो फर्स्ट कंडीशन दी आंदी है मैनर। मैनर दी पूरी कंडीशन डिस्कशन करके आ गया वर्ब दे पूरे या फिर ऑब्जेक्ट दे विच। नेक्स्ट वन आ जाए टाइम ते प्लेस दा की करना वा, की रहेगा पहला मैनर नु पोजीशन देनी है सेंटेंस विच, देन उसके बाद तुसी प्लेस ऐड करनी है, देन थर्ड लास्ट ते आएगा टाइम। देखो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं पर नाम राम हंट अ डियर। हम अपन ऐड करना चाहते हैं लाइक इधर विच यस्टरडे सुबह 6:11 में 6 PM एंड इन फॉरेस्ट मींस अपन टाइम प्रेजेंट चल रहे हैं तो नाले दिस ना जाने प्लेस कितने जो ने काम किया था, तो ये भी अपना नाम ऐड करना अपने सेंटेंस विच। तो नाल ही अपन एक चीज ले लेने हैं जी स्किलफुली, स्किलफुली ले लो, ब्रेवली ले लो, ठीक है कोई भी अपन एग्जांपल जो भी ऐड करें। तो अपन देखते हैं विच किया यस्टरडे तो 6 PM ठीक है बता दिया टाइम दस रहे कि एक्शन कब हुआ ऐसे इन फॉरेस्ट या इन अ फॉरेस्ट या इन दी फॉरेस्ट जो तुसी लाया कि जंगल विच होया काम ते जंगल विच एक्शन कीता गया वा तो मींस ए किया प्लेस है स्किलफुली, स्किलफुली लाइक ओदे दस ने कि जो एक्शन सीगा बस तरीके नाल होया वा। तो ये वाला कि अपना एडवर्ब है ना मैनर, तो हुन अपना प्लेस करना वा सेंटेंस दे विच। राम हंटर वर्ब हो गया वा और डियर हुनी अपन डिस्कशन कीती सीगी मैनर नु किते प्लेस करना वा ऑब्जेक्ट तो बाद जां फिर वर्ब दे मूहरे। तो मैं हुन ले लिया वर्ब दे अगे पोजीशन राम स्किलफुली हंट अ डियर कितने वैसे इन इन दी फॉरेस्ट टाइम लगाने पहले छोटी यूनिट एट 6 PM कदो ऐसे ना टाइम कोड से अपन यस्टरडे। तो सेंटेंस बनेगा राम स्किलफुली मंचर अ डियर इन द फॉरेस्ट एट 6 PM यस्टरडे। तो ये हो गया अपना थर्ड रोल जो अपन थर्ड पोजीशन डिस्कशन की थी एडवर्ब भी वो सीगा देन लाइक अगर एडवर्ब पट्टे आ रहे हैं मैनर प्लेस टाइम पर तीनों पट्टे आ रहे हैं तो की किता अपन ने मैनर पहले जगह दी है उस पर प्लेस को एडजस्ट किया है लास्ट अपन ने किता टाइम। अगर तो हम लोग देखे हाँ जी मेरे सेंटेंस विच तो मैनर नहीं आया मेरे सेंटेंस विच प्लेस नहीं आया इट्स ओके तो उसको हम पता है और बस मैनर नहीं आया पर और बस टाइम है गया प्लेस है गया तो उसे और एडजस्ट करोगे सेम वे दिन। अगर कोई अदर और सेंटेंस आ रहा है जिस पर बस मैनर है गया बट प्लेस नहीं है मेंशन की हुई टाइम है तुम्हारे पास तो सिर्फ प्लेस स्किप कर दो मैनर पहले आपको जो तुम बताया गया था एडजस्ट करोगे फिर लास्ट में उसे अपना टाइम एडजस्ट कर दोगे। आई होप तो ये वाला रूल क्लियर हो गया है। हम अब जा रहे हैं फोर्थ पोजीशन मींस फोर्थ रूल पे जा रहे हैं नेक्स्ट वन आंदा है फोर्थ पोजीशन। जो फोर्थ पोजीशन में हम करवा रहे हैं अगर तुम्हारे किसी सेंटेंस विच लाइक हैव्यू वर्ब भी आ गया है एंड प्लस तुम्हारे पास वर्ब है लाइक She has arrived. Arrived means पहुंचना। तो like इधर चाहे ऐड करना चाहे just। तो जो just है तो उसके अनुरूप वर्ब के पूरे पोजीशन दे सकते हो। She has just arrived. This is the end of today's class. I hope ये वाली वीडियो तो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी and keep watching. Thanks for watching.